गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एक बार फिर आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको भोज्य पदार्थों के अवशोषण पर हमने आपसे चर्चा की थी और वहां पे हमने दो इम्पोर्टेंट टर्म्स पर आपसे बात की थी। सबसे पहला पॉइंट था मिसेल, जिसके बारे में आपको हमने बताया कि जब पितरस वसा से क्या करते हैं, मिल करके पितरस वसा से संयोग करते हैं या पितरस वसा से मिल करके एक सूक्ष्म संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था काइलोमाइक्रोन, ये दूसरी टर्म्स पर आपसे हमने बात की थी। काइलोमाइक्रोन क्या है, ठीक है? आपको बताया था कि जब वसा और या हम कह सकते हैं कि जब मिसेल के अणु किसके संपर्क में आते हैं, शुद्रांत के संपर्क में आते हैं, शुद्रांत के उपकला कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं, तो आपको हमने बताया कि जो मिसेल के अंदर जो वसा होती है वो कोशिका झिल्ली के अंदर घुलनशील होने के कारण मिसेल में से वसा निकल करके वसा बाहर निकल जाती है और वसा किसके अंदर प्रवेश कर जाती है, शुद्रांत में प्रवेश कर जाती है। तथा पितरस जो होते हैं या पित्त अम्ल होते हैं वो काई में रह जाते हैं और उसके पश्चात हमने बताया जब वो उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो प्रवेश करने के पश्चात वसा जो होती है वो चिकनी अंतःपरदवी जालिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात वसा और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो अंतःपरदवी जालिका में उपस्थित लाइपोप्रोटीन जो होती है, लिपोप्रोटीन जो होती है, उससे क्या हो जाती है, मिल जाती है, या हम कह सकते हैं वसा और मोनोग्लिसराइड को चारों ओर से क्या कर लेती है, लिपोप्रोटीन घेर लेती है, जिसे काइलोमाइक्रोन कहा जाता है, ठीक है? तो हम इसकी सीधी परिभाषा बताएं तो हमने आपको बताया था क्या कि वसा और मोनोग्लिसराइड को जब लिपोप्रोटीन चारों ओर से घेर ले तो इस प्रकार से बनी हुई गोलिका या गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको वसा के अवशोषण की प्रक्रिया के बारे में आपको हमने बताया था। देखिए, आज हम कुछ उसमें जो शेष बातें रह गई है उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। शुद्रांत जो होती है उसमें अनेक वलन होते हैं। शुद्रांत जो होती है, जो शुद्रांत होती है, इस तरीके की जो संरचना होती है क्या होती है, शुद्रांत होती है। आपको बताया शुद्रांत की सबसे भारी संरचना होती है, इसको क्या कहा जाता है, सिरोसा कहा जाता है। सिरोसा के पश्चात ये देखिए अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, इनके ऊपर इस तरीके से क्या पाई जाती है, ये जो संरचना आपको दिखाई गई है वो हमने आपको बता दिया, ये है वर्तुल पेशी स्तर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, अधः सलेष्मिका का स्तर पाया जाता है और ये जो स्तर होता है वो सलेष्मिका के नाम से जाना जाता है। और ये इसके अंदर क्या है, सलेष्मिका के स्तर के अंदर ये इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, वलन पाए जाते हैं। तो आपको बता दें ये शुद्रांत की क्या है, औथ की हमने पढ़ाई, तो शुद्रांत पर अनेक क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, ठीक है? और शुद्रांत पर ये वलन जो होते हैं इन पर क्या है, ये उंगली के आकार की संरचना पाई जाती है जिन्हें रसांकुर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुद्रांत पर अनेक वलन पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है? क्या पाए जाते हैं शुद्रांत में, अनेक वलन पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर क्या है पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, ठीक है? जिसे छुद्रांत जो सलेष्मिका, छुद्रांत जो सलेष्मिका होती है, छुद्रांत सलेष्मिका की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल, छुद्रांत सलेष्मिका की अवशोषणकारी सतह पर, छुद्रांत सलेष्मिका की अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल लगभग कितना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1000 गुना क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
सलेश में का की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, उन सलेश्मा की उपकला कोशिका में पाए जाने वाले जो रसांकुर होते हैं, सलेश्मा की जो उपकला कोशिका होती है उस पर ये पाए जाने वाले जो रसांकुर होते हैं वो रसांकुर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यानी कि रसांकुर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सलेश्मा की जो उपकला कोशिका होती है, सलेश्मा की उपकला कोशिका पर ये क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें सलेश्मा की उपकला कोशिका में पाए जाने वाले जो रसांकुर होते हैं वो रसांकुर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और प्रत्येक जो रसांकुर होता है ये एक रसांकुर है, ठीक है, ये दूसरा रसांकुर है, तीसरा रसांकुर है, ये चौथा रसांकुर है, ये पांचवा, इस तरीके से ये क्या है, रसांकुर है। तो प्रत्येक रसांकुर जो होता है उस रसांकुर के केंद्रीय भाग में क्या पाई जाती है, एक केंद्रीय लसिका कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका पाई जाती है, प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका पाई जाती है, वह एक रुधिर कोशिका पाई जाती है। एक तो क्या पाई जाती है, ब्लड सेल पाई जाती है, और एक क्या पाई जाती है, सेंट्रल लिम्फ सेल पाई जाती है। सेंट्रल लिम्फ सेल इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। तो रुधिर कोशिका पाई जाती है प्रत्येक रसांकुर में, ध्यान से सुनना, प्रत्येक रसांकुर में एक केंद्रीय लसिका कोशिका और एक क्या पाई जाती है, रुधिर कोशिका क्या है, पाई जाती है। आपको हम बता दें कि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो भोजन के पाचन होने के पश्चात अंतिम उत्पादों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंतिम उत्पादों का निर्माण होता है। भाई भोजन का क्या होता है, पाचन हो जाता है, तो भोजन के पाचन के पश्चात, ठीक है, बनने वाले अंतिम उत्पादों की बात कर रहे हैं। भोजन के पाचन होने के पश्चात जो अंतिम उत्पाद बनते हैं, तो उन अंतिम उत्पाद ऐसे कौन कौन से अंतिम उत्पाद होते हैं जो भोजन के पाचन के पश्चात बनते हैं। तो भोजन के पाचन के पश्चात बनने वाले अंतिम उत्पाद निम्न है, कौन कौन से अंतिम उत्पाद है, देखिए ग्लूकोज है, ये भोजन के अंतिम उत्पाद है। भोजन का जब पाचन हो जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गैलेक्टोज का निर्माण होता है। गैलेक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है अंतिम उत्पाद के रूप में, गैलेक्टोज का निर्माण होता है। फ्रक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। फ्रक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का क्या होता है, निर्माण होता है। साथ में क्या है, एमिनो अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो अम्लों का निर्माण होता है। साथ में आपको बताया था फैटी अम्ल, वसीय अम्लों का क्या होता है, निर्माण होता है। फैटी एसिड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और एक हमने आपको बताया था मोनोग्लिसराइडों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मोनोग्लिसराइडों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि भोजन के पाचन के पश्चात प्राप्त होने वाले अंतिम उत्पादों के नाम बताइए, भोजन के पाचन के पश्चात, ठीक है, बनने वाले अंतिम उत्पादों का नाम बताइए। तो अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल, फैटी एसिड्स और क्या पाया जाता है, मोनोग्लिसराइडों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन्हीं अंतिम उत्पादों का क्या किया जाता है, अवशोषण शरीर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो इन सब का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पाचन के पश्चात प्राप्त होने वाले वे कौन से पदार्थ है जिनका अवशोषण किया जाता है, उन पदार्थों के या उन अंतिम उत्पादों के नाम बताइए। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनोम, फैटियम और मोनोग्लिसराइड, जिनका क्या है, हमारे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इज इट क्लियर। इसी के साथ हमारे अवशोषण, पचित होते पदार्थों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, उस पर हमारा बिंदु क्या है, ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो अवशोषण किस प्रकार से होता है, वसा का अवशोषण किस प्रकार से होता है, उस पर हमने आपसे बात कर ली।
देखिए आज का जो हमारा अंतिम टॉपिक, आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। आज हम स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, हमने आपको बताया था कि मानव में पाचन तंत्र की क्रिया विधि को पांच भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, नंबर दो अंतर्ग्रहण के पश्चात हमने आपको बताया था पाचन, नंबर तीन अवशोषण, नंबर चार स्वांगीकरण और नंबर पांच बहिक्षेपण। आज हम स्वांगीकरण और बहिक्षेपण पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्वांगीकरण और बहिक्षेपण पर चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी या डिस्कस अबाउट एसिमिलेशन एंड एडिशन। देखिए इस चैप्टर को चलते हुए काफी दिन हो गए हैं और ये चैप्टर आज या कल में दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण। बहिक्षेपण सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्वांगीकरण का। स्वांगीकरण एसिमिलेशन, एसिमिलेशन देखिए स्वांगीकरण क्या है। भोजन का जब अवशोषण हो जाता है, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का सर्वाधिक रूप से जो अवशोषण होता है वो मैंने आपको बताया शुद्रांत के द्वारा। तो अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होता है वो अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से, अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से कहां पर पहुंचते हैं, शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में क्या है, पहुंच जाती है। अर्थात अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा है कि अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं इन भोज्य पदार्थों को किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं का क्या है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वहां तक इनको क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया, ठीक है। और भोजन के ये अंतिम उत्पाद जो होते हैं, भोजन के जो अंतिम उत्पाद मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनो अम्ल, मोनोग्लिसराइड और अंतिम मैंने आपको बताया था फैटी एसिड। ये जो अंतिम उत्पाद होता है यानी कि भोजन के जो अंतिम उत्पाद होता है वो कोशिकाओं में क्या है, पहुंचते हैं। कोशिकाओं में जब पहुंचते हैं तो कोशिकाओं में उनकी क्या क्रिया आती है, उपापचय की क्रिया होती है। तो ये भोज्य पदार्थों के अंतिम उत्पाद जब कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं तो कोशिकाओं में पहुंचने के पश्चात उन भोज्य पदार्थों का क्या होता है, उपापचय की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, उपापचय क्रिया होती है। और जब उपापचय की क्रिया होती है तो कोशिका के भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका के वेरियस पार्ट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका के भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं उन भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। जिस क्रिया को क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है। कोशिका के विभिन्न भागों के यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका के आकार और आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोशिका के आकार और आकृति में वृद्धि होती है तो जीव के शरीर के अंदर क्या होती है, आकार और आकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण की परिभाषा क्या हुई आप देखिए, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ को रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। भोजन के अंतिम उत्पाद
कोशिका में पहुंचने के पश्चात उनका क्या होता है, उपापचय होता है, और उपापचय होने पर कोशिका के विभिन्न भागों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अर्थात अवशोषित भोजन पदार्थ जब शरीर के अंदर चला जाता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जब पहुंच जाता है, तो वो कोशिकाएं क्या करती है, उससे ऊर्जा प्राप्ति के, ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए उन भोज्य पदार्थों का क्या करती है, उपापचय करती है, अर्थात उनका क्या करती है, विघटन करती है, और विघटन करती है तो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ऊर्जा किसके रूप में संचित हो जाती है, कोशिकाओं में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होता है वो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है, और भोजन के जितने भी अंतिम उत्पाद होता है वो कोशिकाओं में जाकर के उनके उपापचयी क्रियाओं द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिका क्या उपापचय क्यों करते हैं, क्योंकि कोशिका में ऊर्जा प्राप्ति हेतु अवशोषित भोज्य पदार्थ, कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करना चाहती है, और ऊर्जा प्राप्त करना चाहती है तो जो अवशोषित भोज्य पदार्थ, उन कोशिकाओं में जो अवशोषित भोज्य पदार्थ आया हुआ है, तो उन अवशोषित भोज पदार्थ का वहां पे क्या होता है, उपापचय होता है, विघटन की क्रिया होती है। उपापचय या विघटन की क्रिया जब हो जाती है तो ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में उन कोशिकाओं में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, क्या हो जाती है, एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, जिस क्रिया को हम स्वांगीकरण की क्रिया कहते हैं। देखिए खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त अगर मात्रा है, खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा अगर कोशिकाओं में चली जाती है तो वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन, खाद्य पदार्थों की यदि अतिरिक्त मात्रा है, खाद्य पदार्थों की क्या है, अतिरिक्त मात्रा है, तो वो मोस्टली तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, और भी अगर ज्यादा है, अतिरिक्त मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वसा के रूप में क्या हो जाते हैं, वो संचित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन और वसा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। स्वांगीकरण में यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। हमने यहाँ पे बता दिया है कि अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होता है उसको रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और उन कोशिकाओं में जो अंतिम उत्पाद के रूप में जो भोज्य पदार्थ आता है उसका उपापचय होता है, और जब उसका उपापचय हो जाता है तो ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित होती है, और वो ऊर्जा जब संचित होती है तो उस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के विभिन्न भागों के निर्माण में किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वांगीकरण कहा जाता है, ठीक है। स्वांगीकरण के बाद हम अगले टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, और उसका नाम है बहिर्क्षेपण, बहिर्क्षेपण बहिर्क्षेपण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजेक्शन। ये देखिए पाचन तंत्र की क्रिया विधि का सबसे अंतिम क्या है, चरण। मैंने आपको बताया पाचन तंत्र की क्रिया विधि को पांच चरणों में बांटा गया है। आईडी है तो आइए, आईडी है तो आइए, इंटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहिर्क्षेपण पर हम बात करें, नाम का अर्थ आप देख रहे हो, बहि का मतलब होता है बाहर, क्षेपण का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, मानव में भोजन का क्या होता है, पाचन, मानव में भोजन का पाचन जब सूत्रांत में हो जाता है, अधिकांशतः भोजन का पाचन सूत्रांत में होता है, और सूत्रांत में पाचन होने के पश्चात अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है, अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है, जब सूत्रांत में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो वो अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है, अपचित भोज्य पदार्थ होता है, उस भोज्य पदार्थ को किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, वेड आंत्र में उसको क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया, ठीक है।
जिसमें स्थानांतरित किया जाता है, वैध आंतरिक के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया। आपको हमने बताया था कि वैध आंतरिक के दो कार्य हो, पहला कार्य तो क्या है कि वो अपचित होते पदार्थ में, ठीक है, जल आया है या खनिज लवण आए हैं, ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, ये अवशोषण करने का कार्य है। तो वैध आंतरिक क्या है, जल का अवशोषण करती है, ठीक है, जल के साथ साथ जो खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों का भी क्या करते हैं, अवशोषण करती है। वैध आंत्र जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करने का क्या करती है, कार्य करती है। वैध आंत्र जल का अवशोषण करती है, साथ में खनिजों को खनिज पदार्थों का भी क्या करती है, अवशोषण करने का कार्य करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया वैध आंत्र के द्वारा, कोलन के द्वारा पोटेशियम जैसे आयनों का भी, सॉरी पोटेशियम जैसे विटामिनों का भी क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो ये वैध आंत्र पोटेशियम जैसे विटामिन का अवशोषण कर लेते हैं, नेप्टोक्यूमिन जिसका मैंने आपको बताया ये ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन के का क्या कार्य आपसे पूछा जाए, तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो वैध आंत्र जल का अवशोषण करती है, खनिज पदार्थों का क्या करती है, अवशोषण करती है, साथ में मल के निर्माण की क्रिया में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो वैध आंत्र किसका काम करता है, मल निर्माण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, वैध आंत्र के द्वारा किया जाता है। तो वैध आंत्र के द्वारा मल निर्माण करना होता है, मल का निर्माण किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मल के अंदर, मल का, मल में कौन कौन से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो मल होता है उस मल के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं, मल किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। तो मल जो होता है वो खास तौर से अपचित होते पदार्थों से मिलकर के बना होता है, अपचित बोध पदार्थों से मिलकर के क्या बना होता है, मल बनता है। मल का निर्माण अपचित बोध पदार्थों से होता है। मल का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सलेष्मा के द्वारा होता है। सलेष्मा जो होती है वो भी मल के अंदर मिक्सअप होती है, यानी कि सलेष्मा से भी बनती है। सलेष्मा जो होती है वो खास तौर से मैं बता दूं मृत उपकला होती है। तो सलेष्मा कौन सी होती है, साथ में आपको लिख दिया सलेष्मा और मृत उपकला, मृत उपकलाओं से भी मिलकर के किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है, ठीक है। मृत रुधिर वाहिनियों से भी किसका निर्माण होता है, मृत रुधिर वाहिनियों से भी मल का क्या होता है, निर्माण होता है। मृत रुधिर वाहिनियों से भी किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है। आपको बता दें पित्त वर्णको से भी किसका निर्माण होता है, पित्त वर्णको से भी, पित्त वर्णको से भी किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है। यानी कि ये मल जो होता है वो किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है, मल अपचित पदार्थ सलेष्मा से, मृत उपकला कोशिकाओं से, मृत रुधिर वाहिनियों से और पित्त वर्णको से मिलकर के क्या होता है, मल बनता है। ये मल का निर्माण कहां होता है, वृहद आंत्र में होता है, ठीक है। वृहद आंत्र में मल का जब निर्माण हो जाता है तो ये वृहद आंत्र क्या करती है, मल को किस में धकेल देती है, मलाशय के अंदर धकेल देती है। वृहद आंत्र में जब मल का निर्माण हो जाता है, वृहद आंत्र में जब मल का निर्माण हो जाता है तो ये मल को किस में धकेल देती है, मल को मलाशय में क्या कर देती है, धकेल देती है, ठीक है। किस में धकेल देती है, मलाशय के अंदर क्या है, मल को क्या कर देती है, धकेल देती है। मलाशय की जो भित्तियां होती हैं वो कैसी होती है, संकुचित होती हैं। मलाशय की जब भित्तियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं, ठीक है। मलाशय की जो आंतरिक भित्तियां होती हैं वो कैसी होने लग जाती है, जब संकुचित हो जाती है। तो मलाशय की जब भित्तियां जब संकुचित हो जाती है तो मलाशय पर क्या बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। मलाशय पर क्या बढ़ जाता है, दाब पड़ जाता है, ठीक है। और मलाशय पर जब दाब पड़ जाता है तो मल जो होता है वो गुदा द्वार द्वारा, मल जो होता है वो गुदा द्वार द्वारा शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है।
आपको वो बता दें, गुदा द्वार जो होता है उसमें दो प्रकार की अवरोधनी होती है, ठीक है। एक बाह्य अवरोधनी होती है और दूसरी कौन सी पाई जाती है, आंतरिक अवरोधनी पाई जाती है। तो मल द्वार जो होता है, मल जो होता है वो गुदा द्वार की बाह्य और आंतरिक अवरोधनियां जो होती हैं वो खुल जाती हैं, और बाह्य आंतरिक अवरोधनियां खुलने पर, ठीक है, मल जो होता है वो बाहर निकल जाता है, मल का क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से क्या किया जाता है, बहिर्क्षेपण कर दिया जाता है। आपको मैंने बताया क्षुद्रांत जो होता है, एक बार फिर दोबारा बता रहा हूं, क्षुद्रांत जो होता है उसमें जब भोजन का पाचन हो जाता है तो पाचन होने के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो क्षुद्रांत से वृहद आंत में क्या कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, ठीक है। वृहद आंत में क्या पाए जाते हैं, आपको मैं बता दूं, जीवाणु पाए जाते हैं। वृहद आंत में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं, अगर भोज्य पदार्थ के रूप में सेल्यूलोज का यदि सेवन किसी मनुष्य के द्वारा किया गया है, सेल्यूलोज जो होती है वो घास में होती है, ठीक है, और भी कई भोज्य पदार्थों में होती है, तो उस घास का क्या करते हैं ये, यानी कि घास में उपस्थित सेल्यूलोज का अपघटन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो वृहद आंत में जीवाणु पाए जाते हैं, और जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज का अपघटन करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सेल्यूलोज का जो अपघटन होता है वो कहां पर होता है, वृहद आंत में होता है। किनके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। वृहद आंत जल का अवशोषण करती है, खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, और मल का निर्माण करने का क्या करती है, कार्य करती है। मल जो होता है वो अपचित भोज्य पदार्थ, सलिष्मा, मृत उपकला, मृत रुधिर वाहिनी और पित्त वर्णकों से मिलकर के क्या होता है, मल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मल का निर्माण होता है। मल जो होता है, ठीक है, वो वृहद आंत्र से मलाशय में क्या किया जाता है, धकेल दिया जाता है। मलाशय की भित्तियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। जब मलाशय की भित्तियां संकुचित होती हैं तो मलाशय पर क्या पड़ता है, दाब लगता है। मलाशय के अंदर दाब क्या है, बढ़ जाता है, जिससे जो मल होता है वो गुदा द्वार द्वारा, किसके द्वारा, गुदा द्वार द्वारा शरीर से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वार में मैंने आपको बताया दो प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है, बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी होती है। ये गुदा द्वार की बाह्य अवरोधनी और आंतरिक अवरोधनी क्या हो जाती है, खुल जाती है, और खुलने पर जो मल होता है वो क्या है, शरीर से बाहर विसर्जित कर दिया जाता है या शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उत्थान से सुनना, कि मलाशय की भित्तियों पर, ठीक है, कितना दाब उत्पन्न होता है। तो मलाशय की जो भित्तियां होती हैं उस पर 20 mmHg का दाब लगता है। मलाशय की भित्ति पर कितना दाब लगता है, 20 mmHg का क्या लगता है, दाब लगता है। मलाशय की मानव के मलाशय की भित्ति पर 20 mmHg का क्या लगता है, दाब लगता है या दाब उत्पन्न होता है। तो मानव के मलाशय की भित्ति पर 20 mmHg का दाब उत्पन्न होता है। और एक अंतिम बिंदु हम आपसे बहिर्क्षेपण से संबंधित बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मानव के द्वारा मल का क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो मल का विसर्जन की क्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से पूर्ण होती है, आपको हमने बताया था, अगर आप बता सकते हो तो। मैंने आपको बताया कि मानव में भोजन के चबाने की जो क्रिया होती है, मानव के द्वारा भोजन का क्या है, भोजन को चबाया जाता है मुख गुहा के अंदर, तो भोजन के चबाने की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है, तो मानव में भोजन के चबाने की क्रिया तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है। चबाने की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है, तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है, प्रतिवर्त। देखिए, तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया द्वारा क्या होती है, चबाने की क्रिया पूर्ण होती है। इसी तरीके से मानव में मल का विसर्जन भी, तंत्रिका प्रतिवर्त क्रिया द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। मानव में
मल का विसर्जन तंत्रिका प्रतिवर्त की क्रिया द्वारा क्या होता है, कौन होता है, इज इट राइट। तो देखिए इसी के साथ हमारा आज क्या है, हमने आपको पढ़ाया था मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि, और हमने मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि के सभी बिंदुओं पर, सभी चरणों पर विस्तृत रूप से हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अंतर्ग्रहण हो, चाहे पाचन की क्रिया हो, चाहे अवशोषण की क्रिया हो, चाहे स्वांगीकरण की क्रिया हो, और चाहे कौन सी क्रिया हो, बहिर्क्षेपण की क्रिया हो, इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तृत रूप से आपसे क्या है, चर्चा की है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या है कि हमसे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज लिख करके भेज दीजिएगा, हम आपको जूम ऐप से आपकी क्लास, जब भी हमारा नेटवर्क सही होगा, जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। परंतु आप अपने प्रॉब्लम एक बार व्हाट्सएप पे जरूर भेजें लिख करके, ताकि हम आपको उसके तुरंत आपका समाधान एक या दो दिन में हम आपका कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।